Hi guys, welcome back. This is your super quick revision of SCMPE. This is also your lecture number 8. ये आपका relevant costing का last lecture होगा. First lecture हम लोगों ने materials और labour का adjustment देखा और अभी इसके अंदर all other adjustments that are there in this particular chapter we are going to be seeing that. Okay, so let's start now. So we are trying to do topic of relevant costing. उसके अंदर आई एम गोइंग टू बी कवरिंग अप थ्री सब टॉपिक्स टुडे. कैपिटल एसेट्स जो ऑफर के लिए चाहिए. कोई एक ऑफर आया है, सर उसके लिए मेरे को मशीन चाहिए, मेरे को कोई इक्विपमेंट चाहिए, मेरे को कोई प्लांट चाहिए, क्या वो हमारे पास है, नहीं है. सर कैपिटल एसेट्स का लाइफ एक साल से ज़्यादा होता है, ऑफर एक साल का है, एक साल का नहीं है. सो ऑल द केसेस दैट वी ऑल हैव डन इन दिस वीडियो वी विल कम टू नो. फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट एंड फॉर अ डिपार्टमेंट. तो फिक्स्ड कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए होता है कि डिपार्टमेंट के लिए. और लास्टली इंटरेस्ट के बारे में कब बात किया जाता है इन एनी क्वेश्चन. ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं. सो लेट्स डू द थिंग्स. फर्स्ट थिंग, फिक्स्ड एसेट्स के रेफरेंस के अंदर फाइव टर्म्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है. ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, जब एसेट खरीदा था, कितने में खरीदा था. सो इस अमाउंट के साथ आप लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स परचेजिंग का एंट्री पास किया रहेगा. ठीक है. फर्स्ट बुक वैल्यू, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते 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 आज उस एसेट का बुक वैल्यू कितना है. आपको डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाली चीज़ें कभी भी आपको डायरेक्टली काम में नहीं आएंगी. ओके. थर्ड, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ अ सिमिलरली यूज्ड एसेट. ओके, हम लोगों ने विकिपीडिया के ऊपर भी चेक किया था, व्हाट डू यू मीन बाय करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ अ न्यू एसेट, इट इज कॉस्ट ऑफ अ सिमिलरली यूज्ड एसेट. रीसेल वैल्यू, अगर आज आपने एसेट बेचा तो कितने का बिकेगा, अज्यूमिंग कि उसका लाइफ पेंडिंग है. और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब एक बार लाइफ खत्म हो गया फिर कितने के अंदर बिकेगा. आपको मैक्सिमम इन्हीं तीनों में से कुछ भी काम में आ सकता है. ये आपको तब काम आएगा जब लाइफ ऑफ द एसेट इज ऑलमोस्ट ओवर. ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं. सुनो, केसेस ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रपोजल एंड प्रपोजल इज फॉर वन ईयर. प्रपोजल इज फॉर वन ईयर. ठीक है तो चलो. फर्स्ट, company has a machine required for the proposal which is already used in regular business but it has spare capacity for this proposal. tere paas machines tha, use ho raha tha regular business ke liye, ek offer aa gaya, us offer ke liye bhi machine chahiye, tere machines ke paas spare capacity tha, to tu apna jo offer hai usi ke andar bana le. kya kuch khareedne ka baat hai? no. क्या कुछ बेचने का बात है? क्या ऑफर की वजह से कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो? नहीं. ओके तो रेलेवेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा? जीरो. एक्शन, नथिंग टू परचेज, नथिंग टू सेल. ओके सेकंड, कंपनी हैज अ मशीन रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोजल विच इज ऑलरेडी यूज फॉर द रेगुलर बिजनेस बट इट डज नॉट हैव स्पेयर कैपेसिटी फॉर दिस प्रपोजल एंड फर्दर फॉर रेगुलर बिजनेस कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी न्यू मशीन्स. उसका मतलब क्या है कि इन दिस केस एक ऑफर आया, उसके लिए मशीन चाहिए, तेरे पास ऐसा मशीन्स है लेकिन वो रेगुलर बिजनेस के अंदर यूज़ हो रहा है और उन मशीन्स के पास इतना स्पेयर कैपेसिटी नहीं है कि ये वाला ऑर्डर भी उसके अंदर बन जाए, तो ज़रा सोचो फिर आप क्या करोगे. सर एक नया मशीन खरीदना पड़ेगा सर. तो आज परचेज अ मशीन तो दैट विल बिकम योर कॉस्ट. लेकिन ज़रा सोच, अगर ऑफर वन ईयर का है, वन ईयर के बाद क्या करोगे? सर वन ईयर के बाद ये वाली मशीन का क्या करेंगे? सामने बोला आपको कि एक साल के बाद जो मशीन्स आपके पास रेगुलर बिजनेस के लिए थी दोज विल बी इनफ फॉर रेगुलर बिजनेस. तो फिर अभी ये वाला मशीन एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया तो आप मशीन के साथ क्या करोगे? सर बेच देंगे. सो देयरफॉर आज खरीदोगे, एक साल के बाद बेच दोगे. सो परचेज टुडे एंड सेल आफ्टर वन ईयर. तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन करंट परचेज कॉस्ट बिकॉज यू विल परचेज टुडे एंड रीसेल प्राइस आफ्टर वन ईयर. ओके सेकेंड केस. थर्ड, अभी ये अच्छा पार्ट है, पढ़ो. कंपनी हैज अ मशीन रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोजल विच इज ऑलरेडी यूज फॉर द रेगुलर बिजनेस बट इट डज नॉट हैव स्पेयर कैपेसिटी फॉर दिस प्रपोजल. यहां तक सब कुछ सेम है एज योर सेकेंड केस. एंड फर्दर फॉर फ्यूचर रेगुलर बिजनेस कंपनी विल नीड टू परचेज अ मशीन. इसका मतलब क्या है? ये तेरा रेगुलर बिजनेस था, यहाँ पे तेरे पास बहुत सारा मशीन्स था, अभी अभी एक ऑफर आ गया,
उस ऑफर के लिए भी वो वाला मशीन चाहिए, लेकिन वो मशीन रेगुलर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है और स्पेयर कैपेसिटी नहीं है. अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो फिर ऑफर के लिए मशीन किधर से लाओगे? सर खरीद लेंगे सर. तो चलो ठीक है, अगर ऑफर के लिए मशीन खरीद लोगे तो दैट विल बिकम योर कॉस्ट टुडे. अब जरा सोचो एक साल के बाद क्या. तो एक साल के बाद कुछ ऐसा लिखा हुआ है, फर्दर फॉर फ्यूचर रेगुलर बिजनेस कंपनी विल नीड टू परचेज अ मशीन. तो एक साल के बाद ना आपको रेगुलर बिजनेस के लिए भी एक और मशीन चाहिए, क्योंकि शायद वन ऑफ द मशीन जो तुम्हारे पास रेगुलर बिजनेस के लिए था वो शायद उसका लाइफ खत्म होने वाला है. तो एक साल के बाद जब ऑफर खत्म हो जाएगा तुमको एक और मशीन रेगुलर बिजनेस के अंदर चाहिए. तो आप क्या करो, यही वाला मशीन जो इस ऑफर के लिए एक साल के लिए यूज हुआ, अभी ऑफर के लिए तो यूज नहीं होएगा, ऑफर तो एक साल के बाद बंद हो जाएगा, आप इसको उधर ट्रांसफर कर दो. अगर वैसा ही एक साल यूज किया हुआ मशीन आप लोग मार्केट से खरीदते तो आपको कितना पड़ता? अभी उतना अमाउंट तो बच जाएगा ना. सो एक्शन, परचेज टुडे एंड आफ्टर वन ईयर यूज इट इन द रेगुलर बिजनेस. तो आज आपका खर्चा हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन करंट परचेज कॉस्ट एंड एक साल के बाद का रिप्लेसमेंट कॉस्ट. एक साल के बाद अगर एक साल यूज किया हुआ मशीन मार्केट से खरीदते तो कितने का पड़ता? तो उतना तुम्हारा पैसा आज बच जाएगा. तो आज खरीद लो और एक साल के बाद उधर ट्रांसफर कर दो तो उधर उतना पैसा बच जाएगा. द डिफरेंस विल बिकम योर कॉस्ट एज सच. ठीक है, चलिए ये हो गया थर्ड केस. फोर्थ, हैव अ मशीन विच हैज गॉट नो अदर यूज एंड इफ नॉट यूज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सोल्ड. ओके, तो तुम्हारे पास एक कोई मशीन है उसका कुछ यूज नहीं है. अगर ये वाला ऑफर नहीं आता आज तुम मशीन को बेच देता. ठीक है, अगर आज मशीन को बेच देता तो पैसा मिल जाता. आज मत बेचो, एक साल तक ऑफर के लिए यूज कर लो, एक साल के बाद बेच देना. तो आंसर क्या आ जाएगा? डिफरेंस बिटवीन रीसेल प्राइस टुडे एंड रीसेल प्राइस आफ्टर वन ईयर. जस्ट माइंड यू, अगर मशीन का लाइफ ही एक साल का बाकी है, ओके, अगर मशीन का लाइफ ही एक साल का बाकी है तो आफ्टर वन ईयर इंस्टेड ऑफ रीसेल वैल्यू इट विल बी स्क्रैप वैल्यू. और अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ यू कैन टेक इट अप एज जीरो. तो यहां पे देखो एक्शन के ना क्या लिखा, डू नॉट सेल टुडे बट सेल आफ्टर वन ईयर. ठीक है, चलिए ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो गया. आगे, केसेस ऑफ डिपार्टमेंट गेटिंग क्लोज डाउन एंड डिसीजन विल हैव इफेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड से 5 years. तो चलो ठीक है, if department is closed today and say that we have to decide the decision for 5 years assuming after 5 years useful life still remains. dekho iska matlab kya hai, tumko ek offer aaya hai ki na tumhara ek department hai usko band kar do. suppose hum log us department ke na kuch manufacture kar rahe the, abhi humko kisi ne ek offer diya ki jo tum log us department ke na bana rahe ho na वो तुम लोग बनाना बंद कर दो, हमसे खरीद लो और अपना डिपार्टमेंट बंद कर दो. तो उस डिपार्टमेंट के ना जो भी मशीन है तुम लोग उसको बेच डालोगे फिर और क्या करोगे. ठीक है, तो इस केस के अंदर एक तो रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगा, क्या होगा? रेलेवेंट रेवेन्यू. ठीक है, आज मशीन बेच दोगे तो रेलेवेंट रेवेन्यू तो हो जाएगा. जरा सोचो, लेकिन अगर आज नहीं बेचते कभी बेचते आफ्टर 5 years, ओके, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला अमाउंट विल बी लॉस्ट. तो तुम्हारा नेट रेलेवेंट रेवेन्यू, नेट रेलेवेंट रेवेन्यू विल बी डिफरेंस बिटवीन रीसेल प्राइस टूडे एंड रीसेल प्राइस आफ्टर 5 years. क्योंकि देखो एक्शन के अंदर क्या आएगा, आज आप मशीन को बेच दोगे, अगर आज नहीं बेचोगे तो आप 5 years के बाद बेचोगे. ठीक है, तो अगर आपने आज ही बेच दिया मतलब 5 साल के बाद नहीं बेचोगे, तो आज तो मिल गया लेकिन जो 5 साल के बाद मिलने वाला था दैट अमाउंट वुड बी लॉस्ट. नो, ओके, आगे सेकेंड, इफ द डिपार्टमेंट इज क्लोज्ड and say that we have to decide the decision for 5 years assuming 5 years of useful life remains. theek hai, abhi ye wala jo part hai ek minute main fir se padhta hu, shayad yahan pe correction bhi karna hoga mereko. if the department is getting closed and say that we have to decide the decision for 5 years assuming 5 years of useful life assuming after 5 years useful life does not remain. okay, does not remain, उसका मतलब क्या है? जरा सोचो, आपके पास कोई एक proposal आया है, किसी ने आपको बोला अपना department बंद कर दो and you buy product from us. ठीक है, आपके department के अंदर जो भी कुछ है obviously आप लोग बेच डालोगे क्योंकि आप लोग department बंद कर रहे हो.
उस बंदे ने बोला कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. आई से ओके. अभी मेरे पास एक मशीन है जिसका लाइफ ही 5 साल का बाकी है. ये वो वाला केस है जिसका लाइफ ही 5 साल का बाकी है. ओके तो अब सिंपल चीज बोल रहा हूं, अगर ऑफर ऐसा आ गया तो उस मशीन के साथ क्या करोगे बेटा? बेच दोगे. अगर आप लोग बेच दोगे तो आज पैसा आ जाएगा, रेलेवेंट रेवेन्यू. लेकिन अगर आज नहीं बेचते तो कभी बेचते? सर 5 साल के बाद स्क्रैप कर देता. लेकिन आप आज ही बेच दोगे तो जो 5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला था, दैट अमाउंट वुड बी लॉस नो इन दैट पर्टिकुलर केस. ओके तो बस एक्शन, सेल टुडे एंड डू नॉट स्क्रैप आफ्टर 5 years. सो रेलेवेंट रेवेन्यू विल बी डिफरेंस बिटवीन रीसेल प्राइस टुडे एंड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 years. सबको समझ में आता है? चलो ठीक है, सुनो. ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट. फर्दर नाउ मैंने कैपिटल कॉस्ट सारा का सारा कवर अप कर लिया. अभी उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट. ये फिक्स्ड कॉस्ट के लिए मैं तुम लोगों को क्लास के ना बहुत बार शायद रूल्स बोल दिया था. क्या रूल्स वो बोला था? बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट मींस एब्जॉर्ब्ड अमाउंट अनलेस एंड अनटिल टोल्ड अदरवाइज. फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट इज एब्जॉर्प्शन रेट और एब्जॉर्ब्ड अमाउंट अनलेस एंड अनटिल टोल्ड अदरवाइज. लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ डिपार्टमेंट इज स्पेसिफिक अमाउंट अनलेस एंड अनटिल टोल्ड अदरवाइज. बेटा डिपार्टमेंट के लिए तो फिक्स्ड कॉस्ट लग सकता है ना यार, प्रोडक्ट के लिए बाय डिफॉल्ट नहीं लगता, डिपार्टमेंट के लिए तो लग सकता है. ठीक है. एंड लास्टली एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज, ये अपना बात हो चुका है इन क्लास. हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, सर इंटरेस्ट के बारे में कब बात करूं कब बात नहीं करूं, शुड वी राइट इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजंस. एक तो याद रखना, अगर शॉर्ट टर्म डिसीजन है ना 1 year और समथिंग है दैट, फिर हम लोग इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करते. इज अ शॉर्ट पीरियड या 1 year के लिए क्या बात करूं. तो वो मैंने पॉइंट नंबर 1 बस ऐसे लिख दिया है. फॉर डिसीजन इफ द डिसीजन इज अराउंड अ 1 year वी माइट नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट इज इंटरेस्ट. ठीक है तो वो जाने दो. सेकेंड, इफ द डिसीजन इज ऑफ 2 or more years एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर इज गिवन, इट वुड ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि आप लोग क्या फाइंड आउट कर लेगा? एनपीवी. अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है तो उसके ना ऑटोमेटिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया. टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट ही होता है. ठीक है. थर्ड, इफ द डिसीजन इज ऑफ 2 years ऑफ मोर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नॉट गिवन एंड प्रॉब्लम सेज इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी देन इग्नोर. हम लोगों ने ऐसे एक दो क्वेश्चन किए थे, कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक क्वेश्चन था जहाँ पे ऑफर वॉज फॉर 3 years लेकिन सामने बोल दिया था इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट के बारे में नहीं बात किया. ये 3 चीज़ें ठीक है, लेकिन मेरे को चौथी चीज़ का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है. इफ डिसीजन इज अराउंड ऑफ 2 years और मोर, ओके, एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नॉट गिवन, ओके, and problem does not say anything about time value of money. मतलब अगर कोई भी एक decision है जो 2 साल या उनसे ज़्यादा है, big period, और सामने कुछ नहीं बोला कि consider time value of money या ignore time value of money, तो ऐसे cases के अंदर you should consider time value of money. लेकिन क्या है, time value of money हम लोग directly नहीं ले पाएंगे, हम लोग discounting factor assume तो नहीं कर सकते और हर चीज़ को discounting factor से multiply तो नहीं कर सकते. तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग इंटरेस्ट के बारे में बात जरूर कर लेंगे, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट के बारे में वर्किंग कैपिटल आइटम्स के बारे में बात नहीं करेंगे. रेगुलर इनकम्स, रेगुलर एक्सपेंसेस आर ऑल पुट इनसाइड, याद करो, करंट अकाउंट. इफ दे आर पुट इनसाइड करंट अकाउंट, नो, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले सकते यार. करंट अकाउंट के अंदर वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता. लेकिन अगर बीच में कोई कैपिटल रिसीट है और कैपिटल पेमेंट है, तो दीज आर वन टाइम रिसीट्स एंड दीज आर ह्यूज रिसीट्स, दीज आर बिग रिसीट्स. ओके, अगर इसके ऊपर बात करोगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा. तो हम लोगों ने एक सुपर वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बात किया था, शायद सुपर वाला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, एक वो शेयर डिपार्टमेंट वाला एक वो क्वेश्चन था, शेयर डिविजन. हम लोग शेयर डिविजन को बंद कर रहे थे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो 5 years इज अ बिग पीरियड. ऐसे केसेस के अंदर जो भी रेगुलर इनकम्स और एक्सपेंसेस थे वो तो करंट अकाउंट के अंदर से जाएंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता. लेकिन हम लोग को एक कैपिटल रिसीट आया था मशीन बेच के, बेटा वो वन टाइम बिग रिसीट है. ऐसी चीज़ें करंट अकाउंट के अंदर नहीं डाली जाती. ऐसी चीज़ों का आप FD बनाओगे, आप उसको फंड्स में डालोगे, उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा. उसी को तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं या इंटरेस्ट बोल देते हैं. तो ऐसे केसेस के अंदर आप लोग बात करो, कंसिडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीट्स लेस कैपिटल पेमेंट्स ओनली, इग्नोर रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स एंड दोज आर मेट आउट ऑफ करंट अकाउंट. ओके,
Now this will revise your chapter of relevant costing. Relevant costing ke hamare do lecture the and this is too important a chapter. Ensure that every sum of this is seen before you all go for exams. Okay, I'll see you all in the next lecture.